मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा मठाधीशों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मठाधीशों और माफियाओं की तुलना करते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। आइए पहले वह वीडियो देख लेते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान के बाद आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह अखिलेश यादव का पुतला फूंक कर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के साधु संतों ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। यूपी के सीतापुर में भी संत महात्माओं के इस बयान के प्रति काफी उबाल है। आई इंडिया के कैमरे पर भी संत महात्माओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है। आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ने महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम बड़ी संकट कमाल सराय खैराबाद के प्रबंधक महंत बजरंग मुनिदास अटौरा संगत के महंत अनंत देव बड़ा हनुमान मंदिर मचरेटा के महंत प्रीतम दास से बात की तो उनकी नाराजगी कुछ इस तरह सामने आई। देखिए मैं धीरज जी आपसे बताना चाहता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब नहीं रह गए हो, पूर्व से ही धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उनका नाम अखिलेशुद्दीन है और अखिलेशुद्दीन जिस मजाक से बिलोंग करते हैं वहाँ प्रत्येक घर में आतंकवादी पैदा होते हैं, तो उनकी सोच क्या होगी? शायद वो भूल गए नागाओं का युद्ध, शंकराचार्य जी का बलिदान एवं सभी साधु संतों का बलिदान भूल चुके हैं। अखिलेश जो है मुल्लाओं की तरह मुल्ला हो गया है और ये माफिया जो है उनके जो महासचिव हैं जेल में सड़ रहे हैं, 60-60 केस लगे हैं के ऊपर, अरे आजम खान के ऊपर ऐसे है, शिवपाल उनके जो खनन माफिया हैं और ये साधु या संतों या ब्राह्मण समाज को माफिया बताते हैं, वो खुद ऐसे माफिया हैं। उनका बहिष्कार होगा और अगली सत्ता में योगी आदित्यनाथ आएंगे। ऐसा है जो जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है। आप लोग जानते हैं ये अखिलेश यादव जो अपने को कहते हैं इनके पूर्वज गद्दी थे, वो गद्दी थे जब मोहम्मद कोरी से चढ़ाई हुई है, पृथ्वीराज पर चढ़ाई की है और तो इन्हीं लोगों ने गैया दी थी और गैयों को आगे करके और मोहम्मद कोरी गैयों को आगे कर करके पृथ्वीराज को बंदी बनाया। वह पंकज ये अखिलेश यादव है जिनके बाप अयोध्या में हमारे पास लोगों पर गोलियां चलवाई और उनके चाचा शिवपाल सिंह आप लोग जानते हैं जय गुरुदेव के आश्रम पर भी कब्जा किया। तो माफिया वो है कि हमारे संत समाज है, संत ब्राह्मण माफिया है, संत और समाज हमारे लिए ये समझ लीजिए विश्व के कल्याण के लिए जन्म लिया है। बताया है पेड़ कभी ना फल रखे, नदी न संचय नीर, परमारत के कारण साधुन धरा शरीर। हम लोग संत हैं, विश्व कल्याण के लिए राम राम करते हैं और हम लोगों को माफिया कह रहे हैं। माफिया अखिलेश यादव है और इनका उत्तर हमारे राम और कृष्ण और परशुराम देंगे, अभी आ रहा है, अभी उत्तर मिलेगा। संदना इलाके के संत महात्माओं में भी अखिलेश यादव के बयान के प्रति आक्रोश देखने को मिला है। संदना संवाददाता राजेंद्र सिंह के जरिए बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, चार धाम पहला आश्रम महंत रामचरण दास के जो बयान सामने आए हैं उन्हें भी सुनिए। अरे अखिलेश भाई, तुमने तो महंतों की तुलना मठाधीशों की तुलना माफियाओं से कर दी। मैं चैलेंज करता हूं तुमको कि तुम कक्षा 8 की गणित का सवाल नहीं लगा सकते। अगर तुम कक्षा 8 की गणित का सवाल लगा दो तो मैं दाढ़ी घटा के घर चला जाऊंगा और तुम या तो राजनीति छोड़ दो, तुम्हें कोई तमीज नाम की चीज नहीं। सपा की विरासत पर पूरी सपा का अधिकार था, मुलायम सिंह तुम्हारे पिताजी ने बेईमानी करके तुम्हें प्रशासक बना दिया। मुलायम सिंह जी ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई, तुम उन्हीं के ठीको ठीक लड़के हो।
जो तुम अब इस बात को कह रहे हो। धृतराष्ट्र के यहाँ हमेशा दुर्योधन पैदा होता है, अर्जुन कभी नहीं। होश में रहना, ये बयान वापस ले लेना 24 घंटे के अंदर, और नहीं तो नैमिषारण्य का साधु समाज और मैं ब्रह्मर्षि त्यागी जी तुम्हारी धज्जियां उड़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो मठाधीशों पर टिप्पणी की गई है वो अत्यंत निंदनीय है। इन मठाधीशों की परंपराओं से, राष्ट्र चिंतन की भावना से, राष्ट्रहित की भावना से हमारे इतिहास में अनेक क्रांतियां हुई हैं जो अत्यंत सबल रही हैं, सफल रही हैं, और उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह जो परंपरा है यह राजनैतिक सबलता और निर्बलता का भी कारण है। इसलिए बहुत सोच समझ कर ऐसी बातें और ऐसे बयान देना चाहिए, कहीं ये परंपराएँ या मठाधीशों की परंपराएं इनके लिए राजनीतिक सफर द्रोह न कर दें, इनके इनका जो राजनीतिक भविष्य है वह मिट्टी में न मिला दें। इसलिए मेरा निवेदन यही है इनसे कि ये अपने शब्द वापस लें और क्षमा मांगें कि यह जो राष्ट्रीय परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, जो सनातन परंपरा के संवाहक या ऋषि परंपरा है, इस पर टिप्पणी उचित नहीं है और यह भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सिधौली अटरिया क्षेत्र के बालेश्वर महादेव धाम के संत भी सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान से आक्रोशित हैं। अटरिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ सिधौली रिपोर्टर राजन भार्गव ने अर्जुन बाबा व अन्य संत उमानंद सरस्वती बाबा से बात की तो उनकी नाराजगी कुछ इस तरह सामने आई। कहते हैं कि शब्दों को कभी भी बोले तो तौल माप कर बोले। हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता। इसी को लेकर उनका जनपद में, जनपद सहित पूरे प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है। कल युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने अखिलेश यादव का पुतला सीतापुर में फूका। इसी को लेकर आज आई इंडिया की टीम जो है संतों की राय लेने निकल पड़ी है। हम बात करेंगे, इस समय हम मौजूद हैं अटरिया के बालेश्वर महादेव धाम में, जहाँ के संत हैं स्वामी उमानंद सरस्वती जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उस पर इनकी क्या राय है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखो, माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं। देखो, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसी बात कहना ही नहीं चाहिए था। माफिया और मठाधीशों में बहुत बड़ा अंतर है। मठाधीश केवल जो है मंदिर में पूजा करने के लिए, और संतों को मतलब कोई भी संत के यहाँ आए वो सबकी इज्जत करता है, उसको किसी से लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है। तो ऐसी बात उनको कहना ही नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है उनकी भाषा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। स्वामी जी, इसको लेकर उनका विरोध देखने को मिल रहा है, संत समाज में इसका मैसेज क्या गया है, आप क्या कहेंगे? संत समाज इससे तो नाराज होएगा ही भाई, जब ऐसी भाषा वो बोलेंगे तो संत समाज खुश होगा उनसे, बताइए आप, है ना? क्या क्या कहता है अखिलेश यादव को, ऐसे बयानों से बचना चाहिए? ऐसे बयान उनको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, ऐसे बयानों से उनको बच के रहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम गलत बोल गए। तो ये थे स्वामी उमानंद सरस्वती, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक बड़े पद पर रहे, उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और जो संत समाज है उससे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अटरिया से धर्मेंद्र के साथ अभी इसके बाद हम बात करने पहुंचेंगे नरपतपुर आश्रम में, वहां के जो महंत है उनसे भी बात करेंगे। हमने एक अखिलेश यादव का बयान जो अभी अखिलेश यादव जो कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं। अखिलेश यादव की मैंने बड़ी मदद की, हमारे पैर छूते थे अखिलेश यादव यहाँ के मंदिर पे 500 बार, और हम लोग माफिया थोड़ी हैं, हम लोग सब जनता का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, हम लोग माफिया थोड़ी हैं। जो कह रहे हैं अखिलेश यादव ये बिल्कुल मक्कार हैं, मक्कारी कर रहे हैं साधुओं के साथ में, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इनको जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहिए, और इनका जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम किया लगाया जाए। ये जो है हमारे पास 20 बार इनकी हमने मदद की, और ये साधुओं को कह रहे हैं कि माफिया हो गए,
बताओ कितने लंबे मकारी है इनकी, समझो तो क्या इनको बख्शा नहीं जाएगा। इसका मैसेज क्या समाज के लिए गलत जाएगा? हाँ बहुत गलत जाएगा, समाज के लिए इनका कोई होगा नहीं, संसार में भगवान भी नहीं होंगे। जब संत की बुराई कर रहा है तो इनका कोई नहीं होगा भैया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।